नमस्कार, आप देख रहे हैं बी भारत और मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। महाराष्ट्र में एमवीए ने शुरुआती मतगणना में महायुति को छोड़ा पीछे, 25 सीटों पर आगे। महाराष्ट्र के 48 लोकसभा सीटों के चुनाव परिणाम आज घोषित होंगे। सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो गई है। राज्य में काउंटिंग से पहले सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मुंबई की 6 सीटों पर जहां सभी की नजर लगी हुई है, तो वहीं दूसरी ओर राज्य की बारामती और अमरावती लोकसभा सीट पर पूरे देश की नजर है। बारामती में पहली बार पवार परिवार के बीच चुनावी मुकाबला हुआ है, तो वहीं अमरावती में बीजेपी से लड़ी फायरब्रांड नेता नवनीत राणा के ऊपर कमल खिलाने की जिम्मेदारी है। महाराष्ट्र में 19 अप्रैल से 20 मई तक 5 चरणों में 98,140 मतदान केंद्रों पर चुनाव हुए। राज्य में 5 चरणों में 61.33% मतदान हुआ। महाराष्ट्र की सोलापुर सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार प्रणीति शिंदे आगे चल रहे हैं। वे पूर्व मुख्यमंत्री सुशील कुमार शिंदे की बेटी हैं। प्रणीति लोकसभा का पहला चुनाव लड़ी हैं। महाराष्ट्र में पहले 2 घंटे की मतगणना में महायुति और महाविकास आघाड़ी के बीच कांटे की टक्कर सामने आई है। एमवी सीटों की संख्या में बढ़त बनाए हुए है। औरंगाबाद और सांगली सीटों पर AIMIM के इम्तियाज जलील और विशाल पाटिल भी अच्छी टक्कर दे रहे हैं। मुंबई क्षेत्र में आने वाले कल्याण सीट पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे और शिरूर से अमोल कोले आगे चल रहे हैं। महाराष्ट्र में महायुति और महाविकास आघाड़ी के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। महाविकास आघाड़ी 26 सीटों पर आगे चल रहा है, जबकि महायुति 21 सीटों पर आगे है। महाराष्ट्र की अमरावती सीट से पहले रुझान में बीजेपी कैंडिडेट नवनीत राणा पीछे चल रही हैं। इस सीट पर उनका मुकाबला कांग्रेस के बलवंत वानखेड़े से है। नवनीत राणा पिछली बार निर्दलीय चुनाव जीती थी, इस चुनाव में वह बीजेपी से चुनाव लड़ी। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बी भारत। ऐसे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल बी भारत को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें।